बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फियाज अंसारी। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। इसे आप सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं और शाम को चाय के साथ भी। तो दोस्तों यहाँ हमने बाउल में लिया है 1 कप बेसन, और इस रेसिपी में हमने 2 ब्रेड का इस्तेमाल करना है, और इनका इस्तेमाल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा। तो आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चॉप की हुई अनियन यानी कि प्याज, 1 टेबलस्पून शिमला मिर्च, 1.5 टेबलस्पून डालेंगे इसमें हम सब्ज धनिया, 1.5 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें हम चॉप किया हुआ टमाटर, 2 छोटे साइज की सब्ज मिर्ची ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, आप साथ ही लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। और ये जो हमारे पास ब्रेड थी उसको हमने ब्रेड क्रम्स बना लिया, यानी कि उसको मशीन में डाल के उसको हमने पीस लिया है, और ये जाएगा इसमें 1/2 कप यानी कि 2 ब्रेड का। तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे, और यहाँ हम इसमें पानी ऐड करेंगे 1/2 कप के करीब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको कर लिया है मिक्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हम हाथों पे ऑयल की ग्रीसिंग कर लेंगे, ताकि जब हम इसके स्नैक्स बनाएं तो हाथों के साथ चिपके नहीं, ये आपने लाजमी लगाना है। तो यहाँ हम बैटर लेंगे तकरीबन 50 से 70 ग्राम के करीब। तो ये देखिए हम इसकी इस तरह की टिक्कियाँ बना लेंगे यानी कि स्नैक्स बना लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पैन में हमने ऑयल को कर लिया है गर्म, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ हम जो स्नैक्स हैं टिक्किए हैं वो इसके अंदर रख देंगे। फ्लेम जो है वो नॉर्मल है, ना हाई है ना लो है, और इसको हमने 1-1 मिनट के लिए पका लिया है, और अब हम इसको पलट देंगे। चैनल पे नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम इसको स्नैक्स को तकरीबन 3-4 मिनट के लिए दोनों तरफ से पका लेंगे, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो भी चुके हैं, हम आपको दिखाते हैं करीब से। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक है इसकी, बहुत ही कलरफुल हैं, इसमें वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ही अच्छे नज़र आ रही हैं, बहुत ही इनकी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम आपको तोड़कर दिखाते हैं, खाकर दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह इसमें टमाटर नज़र आ रहा है, शिमला मिर्च नज़र आ रही है, सब्ज़ मिर्च नज़र आ रही है, अनियन नज़र आ रहे हैं, जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दीजिए फियाज अंसारी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।